मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। बात घूम फिरकर इजाजत फिल्म के इस गीत पे आ ही गई। मेरे ख्याल में इंसानी रिश्तों की पेचीदगी पर बनी ये एक बेहतरीन फिल्म है। मेरे जैसे कई सुनने वाले, गुलजार साहब के चाहने वाले जो उन्हें पढ़ते भी हैं, अक्सर ये जानना चाहते हैं कि भाई ये 116 चांद की रातों का गणित क्या है। मैं हर बार मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ती है, कहते हैं 116 चांद की रात, मतलब हर बार कहना पड़ता है जी मेरे से गिनती में गलती हो गई, 117 थी। तो गलती एक बार गिनती में हो गई तो छोड़ दीजिए। कई चीजें जो नॉर्मल होती हैं अचानक क्लिक हो जाती हैं लोगों के साथ, अटक जाती है। हाँ, वो अटक जाती है तो तब लगता है अच्छा ये यहाँ पे ध्यान का कैसे अटक गया। आपको भी हैरत होती है? नेचुरली आपको रिएक्शंस, मेरे लिए नॉर्मल था लेकिन रिएक्शन आपको इस बात की हैरानी तो जरूर होती है ना रिएक्शन देख के। अच्छा कई दफा ये होता है कि अच्छा ये पकड़ा गया, मेरा ख्याल था कि ये नहीं आ, ये भी होता है कि ये शायद नहीं समझ पाएंगे मेरा नुक्ता आगे है। वो मालूम हुआ कि जो आपने सोचा था आगे का नुक्ता तो पहुंचा नहीं, उससे पहले दूसरा नुक्ता पहुंच गया। ये आई थिंक हर फाइन आर्ट्स में होता है, ये सिर्फ हमारे सिर्फ शायरी में नहीं है, सिर्फ फिल्मों में नहीं है, हर एक है ना। कुछ आपके सवाल से ज्यादा जवाब दिए ना? नहीं, मतलब आपके सवाल कम थे, जवाब ज्यादा दे दिए मैंने, इसलिए कि आगे कुछ आएंगे तो उनके जवाब पहले से पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आपने सब एक में कवर कर लिया।